तो इस चैप्टर की अगर हम इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखें तो वो यही चीज आती है कि एक मदर की लाइफ को, एक मदर की लाइफ में प्रॉब्लम्स को इन चार एंकर्स के थ्रू दर्शाया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लासेस सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, उसका टॉपिक है पॉइंट नंबर 7 जिसका नाम है रिंकल्स और राइटर का नाम है अरविंद। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन। मैं हूं गर महाजन और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अपनी क्लास 8 का पॉइंट नंबर 7 जिस पॉइंट का नाम है रिंकल्स, जिसको लिखा है अरविंद ने। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ जब भी किसी पोइम की समरी एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप पोइम को अच्छी तरह समझना चाहते हैं या फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है आप पोइम के राइटर का नाम याद कर लो, क्योंकि पेपर में जब आपको पैसेज आएगा तब आपको पोइट का नाम, राइटर का नाम ज़रूर पूछा जाएगा। तो हमारी पोइम है रिंकल्स जिसके राइटर हैं अरविंद। अब बात करते हैं इस पोइम की मेन थीम, समरी, एक्सप्लेनेशन, जैसा पिछली 6 वीडियोस में किया। जी हाँ, ये आपकी 7th पोइम है, टोटल 10 पोइम्स हैं आपकी क्लास 8th में, लेकिन इससे पहले जो पिछली 6 पोइम्स हैं उन सभी की डिस्क्रिप्शन, उन सभी की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में समझा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वो वीडियोस भी जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो को चेक करने के बाद। अब बात करते हैं इस पोइम की थीम क्या है और इसकी समरी क्या है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम थीम को समझे पोइम की या समरी को समझे वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पोइम का टाइटल है उस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो पोइम का टाइटल क्या है? पोइम का टाइटल है रिंकल्स। अब रिंकल्स का मतलब क्या होता है? रिंकल्स का मतलब क्या होता है? तो रिंकल्स को अगर हम हिंदी में बोले तो उसका मतलब आता है झुर्रियां। झुर्रियां मतलब अगर आप अपने आसपास किसी ओल्ड पर्सन को देखो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो या अपने नेबरहुड में किसी ओल्ड पर्सन को देखो तो आप देखोगे कि उसके चेहरे पे ना झुर्रियां पड़ी होती हैं, जिसको हम रिंकल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो रिंकल्स का हिंदी में मतलब आता है झुर्रियां। ये मोस्टली जो ओल्ड पर्सन होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके चेहरे पे हम आमतौर पे ये देख सकते हैं। ये आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये होती हैं झुर्रियां, सभी ने देखी है। लेकिन अब इस पोइम में रिंकल्स से क्या साबित किया गया है ये हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी पोइम पढ़ती हो अपनी इमेजिनेशन ऑन रखा कीजिए, क्योंकि पोइम जितनी भी होती है वो इमेजिनेशन के तौर पर चलती है। अपनी इमेजिनेशन को ऑन कीजिए और चलिए सफर शुरू करते हैं रिंकल्स पोइम का। चलिए रिंकल्स का मतलब आपने समझ लिया, अब इस पोइम की थीम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो थीम क्या है इस पोइम की? सैक्रिफाइसेस ऑफ मदर फॉर दियर चिल्ड्रन। सैक्रिफाइस से आप क्या समझते हो? सैक्रिफाइस से मतलब त्याग करना, तपस्या करना। एक ये पोइम जो है ये किसके ऑल अराउंड रहने वाली है? एक मदर के सैक्रिफाइसेस की, जो हमारी मॉम है, मदर्स हैं, उनके सैक्रिफाइस जो त्याग करती हैं किसके लिए? फॉर दियर चिल्ड्रन। जो मदर्स हैं वो अपने चिल्ड्रन के लिए जो त्याग करती हैं बड़ा ज़्यादा, उसके ऑल अराउंड ये पोइम रिंकल्स रहने वाली है। इस पोइम का थीम क्या बोला मैंने? सैक्रिफाइसेस ऑफ मदर फॉर दियर चिल्ड्रन। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करती है उसके ऑल अराउंड ये पोइम रहने वाली है, जिसमें उनका लव भी आता है, केयर भी आता है, उनके पोसेसिवनेस भी आती है, ये सारा कुछ जो एक मदर के लव में, उनके सैक्रिफाइसेस में आता है अपने बच्चों को लेके। और यहाँ पे रिंकल्स जो टाइटल है, जहाँ मैंने आपको हिंदी मतलब तो उनका बताया था रिंकल्स का कि झुर्रियां होता है, आप अपने ओल्ड पेरेंट्स को देखोगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे तो आपको फेस में उनके झुर्रियां पड़े दिखेगी, जिसको हम इंग्लिश में रिंकल्स बोलते हैं। लेकिन जो रिंकल्स है वो यहाँ पे एक्सप्रेस क्या कर रही हैं? सफरिंग ऑफ द वुमेन राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। एक बचपन से ही एक लड़की की जो
मतलब कह सकते हैं हम प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग यानी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। रिंकल्स क्या कर रहे हैं, जो चेहरे पे रिंकल्स है ना, और टोटल कितने रिंकल्स हैं ये भी याद रखना। जो अरविंद है, अरविंद यानी राइटर, यहाँ पे राइटर अपनी मदर की बात कर रहा है, तो पोइट की मदर के फेस के ऊपर कितने रिंकल्स है ये बात याद रखना। उनके फेस पे चार रिंकल्स है, 1, 2, 3, 4, और ये चार रिंकल्स अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिंकल किस चीज का प्रतीक है, सफरिंग ऑफ द वुमेन राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बचपन से ही जो एक वीमेन अपनी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, उनकी वजह से उनकी लाइफ चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जुड़ियां आती हैं, जिनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, और यही हमारी इस पोइम की समरी रहने वाली है। तो अगर हम पहले रिंकल की बात करें, फर्स्ट रिंकल क्या बोल रहा है, जब एक वीमेन शादी करके एक अनजान परिवार में एक अनजान आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है, पहला रिंकल इस चीज का आता है। पहला रिंकल क्या आया, मैरिज के बाद। यहाँ पे पोइम में बड़ा अच्छा लिखा गया है कि जब पोइट की मदर की मैरिज हुई, वो अपने अपने होम से किसी दूसरे के होम में चलेगी पूरी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, जिस फैमिली को वो जानते तक नहीं थी, जिस फैमिली का उनको कल्चर नहीं पता था, वहां पे अपनी पूरी लाइफ गुजारने के लिए पोइट की मदर आ गई। पहला रिंकल इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा रिंकल किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, तो देखो दूसरा रिंकल इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, जब पोइट अरविंद अपनी माँ के पेट में था, उस समय उसको जो प्रॉब्लम हुई उस चीज को वो एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में आ गई बात। और थर्ड रिंकल किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, जो एक मदर ने अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को लव एंड केयर दिया, उस केयर में उनको टेंशन हुई, उस चीज को थर्ड रिंकल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला रिंकल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब एक लड़की की मैरिज हुई, पोइट की मदर अरविंद की मदर की मैरिज हुई, और उसको किसी अनजान पर्सन के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने को कहा गया, पहली प्रॉब्लम वो आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, जब वो दर्द, जब पोइट जो है वो अपनी मदर के पेट में था, अपनी उनकी मदर की वॉम में था, उसके बाद थर्ड रिंकल किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, जो पोइट की मदर है उन्होंने जो लव एंड केयर दिया, उस केयर के दौरान जो टेंशन हुई पोइट की मदर को, उस चीज को थर्ड रिंकल एक्सप्रेस कर रहा है। और ये हमारा फोर्थ रिंकल जो है वो किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, देखो जब पोइट की मैरिज हुई ना, अरविंद की जब मैरिज हुई, तो पोइट की जो वाइफ आई उसने अरविंद को कहा, पोइट की वाइफ जो आई उसने अरविंद को कहा, अब हमने इनके साथ नहीं रहना, सेपरेट रहना है। तो शादी के बाद जो सेपरेशन आई अरविंद और उनकी मदर के बीच में, उस चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ रिंकल। तो दोस्तों ये आगे इस समरी यही है। इन शॉर्ट अगर बात करें, इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो समरी इस पोइम की यही आती है कि एक इमोशनल पोइम है बाय अरविंद, दिस इज एन इमोशनल पोइम बाय अरविंद, जिसमें क्या दर्शाया गया है, एक मदर की लाइफ को दर्शाया गया है उसके चार रिंकल्स के थ्रू। देखो पहला रिंकल, दूसरा रिंकल, तीसरा और चौथा रिंकल, इससे उसकी पूरी लाइफ को दर्शाया गया है और उनकी प्रॉब्लम्स को दर्शाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू वेरी मच।